राम राम, धर्म भ्रष्ट कर दिया हमरा। अब तो जानते ही नहीं थे क्या भी मच्छी मांस बनता है। कुटवा तो देख कैसे कैसे लोगों का पाल के रखा है। शांत हो जा, मेरे साथ बाहर चल, तू चल। नहीं, अब हम शांत तभी होंगे जब इस घर में हमरा रसोई अलग होगा। अगर बिना राशन बंद वाला बात ना, अगर गुड्डू जी तक तो पहुंचा दिया तो अम्मा जी के लिए अलग रसोई बनाने से तो अच्छा है कि हम नया फ्रिज उनके लिए ऑर्डर कर देते हैं। आज के तमाशे की है ना सारी तैयारी पूरी हो गई है। मैंने वो केमिकल वाला कलर भी ले लिया है, जहाँ पर भी पड़ेगा ना वह ऐसी खुजली होगी कि पूरी स्किन रेड हो जाएगी। हम देखते हैं कि ये रंग किस पर और कब डालना है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ होली खेलें। हम ऐसे ही ठीक है, हम तो एक दूसरे को कलर लगाकर मन की नफरत को दूर करना चाहते हैं। हमें माफ कीजिए, हम रंगों से होली नहीं खेलते और वैसे भी खेलेंगे तो मिश्रा जी को अच्छा नहीं लगेगा कि हम सब इकट्ठे खेल रहे हैं। ये बात तो सही है, पर मिश्रा जी तो आपको कलर नहीं लगा रहे ना, हम लगा रहे हैं। सारा का सारा खुजली वाला कलर दे दिया, ये अपना तो पूरा प्लान ही चौपट हो गया। माफ करना, हमारा निशाना चूक गया, हम तो बच्चियों को मार रहे थे। बस का है, होली है, होली की बधाई हो। इट्स ओके अम्मा जी। ये लीजिए दादी कलर। हाँ, होली की बधाई हो। आपको है दीदी, ये चमक चलो ना कुछ ज्यादा ही दुखी लग रही है, जरूर कोई ना कोई बात होगी। अरे देख का रहे हो, ठंडाई में भांग मिलाई कि नहीं? बिना भांग के ठंडाई का मजा नहीं है। अम्मा डांट खिलवाने पे काहे तुली, यहाँ भांग कौनो नहीं पीता। अगर भैया को पता चल गया ना कि हमने ठंडाई में भांग मिलाया तो बहुत डांट पड़ेगी हमको। तुम गुटवा की चिंता ना करो, उसका हम संभाल लेंगे। अरे होली के दिन अगर भांग का रंग ना जमा तो फिर काहे की होली। तुम लोगों को जितना मौज मस्ती करनी है कर लो, लेकिन कोई भी ठंडाई नहीं पिएगा, ठीक है? जाओ खेलो।
बहुत बढ़िया किया है आप, हैं? आपके बेटों ने किया है। अच्छा। अरे वाह, ठंडाई। अरे लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं। अरे कहे नहीं, आप लीजिए ना गुड्डू जी। अरे थोड़ा तो बनता है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं पियेंगे, आप पिए। मजा आ गया ललिता जी, बहुत बढ़िया। ये तो थोड़ा बनता है ललिता जी, नहीं, पीजिए। नहीं, नहीं, आप पीजिए, पीजिए ना। मजा आ गया भाई, ये ले एक और लाना। हाँ हाँ हाँ, पोछ लेते हैं, पोछ लेते। मजा आ गया। आइए। यहाँ अकेले काहे कर रही हो? जाओ जाके सामने लो होली के खुमार में। अम्मा जी, अम्मा जी और बाबू जी बाद में करना, जो हम कह रहे हैं वो करो। अब तुम मानो या ना मानो, सामने खड़ा आदमी तुम्हारा पति है। अरे कुछ ना ही तो उसके साथ जाके खड़ी हो जाओ। अम्मा जी काहे जोर दे रही हैं? अम्मा जी हैं इसलिए जोर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, मत जाओ, लेकिन कम से कम अपनी बेटियों के साथ तो त्योहार मना लो। देखो आओ चलो।
अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। रुको, खुश हो गए तुम? आज तो तुम्हारा दिन बन गया। दुनिया के लिए होली है लेकिन तुम्हारे लिए तो दिवाली बन गई। यही चाहती थी ना तुम? इनफैक्ट इसीलिए तुम हमारे घर में ही थी ना? जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। एग्जैक्टली, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है। हमारे सोना बाबू होश में नहीं थे, भांग के नशे में थे, इसलिए तुम्हें देखकर उन्हें लगा कि हम हैं और इसलिए सब कुछ हुआ है। हम जानते हैं जो कुछ किया वो इसलिए हुआ है क्योंकि मिश्रा जी होश में नहीं थे। तुम तो होश में थी ना? एक बात कान खोलकर सुन लो, एक सलाह दे रहे हैं, वो भी फ्री में। हमारे मिश्रा जी से दूर रहना वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। घबराई हुई का है? तेरा हाथ किसी पराए मर्द ने नहीं, तेरे पति ने पकड़ा है। सालों बाद ही सही, कुछ तो सही काम किया। माँ जी काहे काहे करती आप ये सब? आप जैसे सोचिए वैसा कुछ नहीं। आप अपने आप को इस बुलावे में ना ही रखिए अम्मा जी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मिश्रा जी होश में नहीं थे और वो हमें ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है लाली। ये सब रंजू का प्लानिंग का हिस्सा है। जानती हूँ मैं। अरे अम्मा, अम्मा तो आ गई, मेरी अम्मा। अरे तेरे घर में कदम रखने से ऐसा लगता है जैसे हमारा बचपन लौट आया। अम्मा अम्मा कितने सालों बाद हम होली खेले अम्मा। ठीक उसी तरह जैसे शांति देवी का बेटा खेलता था। हाँ बेटा, हम तुम्हारे मन का हाल जानते हैं, इसीलिए तो आए हैं तेरे पास। आज भांग वाली ठंडाई का अंदर गई, हमरा तो पुराना गुडुआ वापस आ गया। ये देखकर हमको बहुत तसल्ली हुई है। गुडुआ संस्कारी बेटा, अब अगर हम बने तो बस बेटा बन कर अपने माँ बाप को कौन खुशी नहीं दी अम्मा, कौन खुशी नहीं दी अम्मा। ना मेरा बेटा। अरे जिंदगी में आगे बढ़ने के चक्कर में हम तो सारे रिश्ते पीछे छोड़ाए अम्मा, सारे रिश्ते पीछे छोड़ाए। अरे रंजू और तूने हर तकलीफ का सामना अकेले किया अम्मा, अकेले किया।
माँ ये हमने क्या कर दिया, माँ क्या कर दिया हमने। अरे वो रंजू ने तो तिनका जोड़कर अपनी जिंदगी बनाई अम्मा। अरे यार फिर सब कुछ बर्बाद हो गया अम्मा, सब बर्बाद हो गया। और अम्मा हम तो उसी को गलत समझ रहे थे, हमें लगा कि ये सब हमारे घर में वापस आने के लिए नाटक कर रही है। हम नहीं जानते थे कि वो बच्चू का बेटा विशेष के साजिश का शिकार बन गई थी अम्मा। नहीं जानते थे अम्मा। अरे अम्मा, अरे कहने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है अम्मा, लेकिन हमने कभी अपने परिवार को कुछ नहीं दिया अम्मा। ना तो हमें काबिल बेटा बन सके, ना जिम्मेदार बाप। अरे हर जगह फेल हो गए अम्मा, सब जगह फेल हो गए हम। नहीं कुटुआ, नहीं नहीं कुटुआ। तू बता तू कभी हमें माफ कर पाएगी क्या? अरे तुमको माफ ही नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? लाली कहते हैं ना कि जब भांग अंदर जाता है ना तो अंदर का साँच बाहर आ जाता है। और अभी जमाई बाबू ना अंदर का बात कर रहा है। आज जमाई बाबू नशा में रंजू का हाथ पकड़ा, हमको डर है लाली कि काल जमाई बाबू होश में उसका साथ पकड़ लेगा। नहीं मम्मी, हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज तो रंजू का जीवन सफल हो गया, पिछले 14 साल से वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। मिश्रा जी भी उसकी बेटियों की कितनी तारीफ कर रहे थे। हम मिश्रा जी के सामने इन सबको इतना नीचा दिखाएंगे कि मिश्रा जी के दिल में इन सब के लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। हमें फोन देना। हेलो नंदन रानी, कैसी हो? आज होली के दिन हमें आपकी बहुत याद आ रही है, तो जरा आ जाओ। कहते हैं कि होली में तो सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं, तो यहाँ आ जाइए, आपसे मिलने का मन कर रहा है। अम्मा जी से माफी भी दिलवा देते हैं। देखा नहीं, मिश्रा जी भी उसकी बेटियों की कितनी तारीफ कर रहे थे, और मिश्रा जी के सामने हमें ये सारे इमोशंस को रिवर्स गियर में डालना है। हम मिश्रा जी के सामने इन सबको इतना नीचा दिखाएंगे कि मिश्रा जी के दिल में इन सब के लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। अरे घर में क्या हो रहा है? कुछ
हम मिश्रा जी के सामने इन सबको इतना नीचा दिखाएंगे कि मिश्रा जी के दिल में इन सब के लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। किंतु तू भी सब कैसे करेगा लाली? मम्मी, मिश्रा जी ने बुलबुल की गलती को माफ नहीं किया है, सिर्फ एक मौका दिया है। अगर उसने दोबारा गलती की तो मिश्रा जी का गुस्सा आपे से पार हो जाएगा और फिर वही सब होगा जिसका हमें इंतजार है। चलो आराम करो। अरे हम ठीक हैं। आप ठीक हैं? काम करते भाई। अरे हम ठीक हैं। हाँ हाँ ठीक हैं भगवान। अम्मा हम जाते हैं। अरे भुवन हमारी एक बात सुन। ये ना केमिकल वाला कलर, अब इन गवारे के ऊपर केमिकल कलर डालने वाला फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो गया, लेकिन नानी इस बार हम फेल नहीं होंगे। आप देख लेना, आज इनका मुंह ना हरा पीला करके मारेंगे। अरे घर में क्या हो रहा है? अपने कलर में नहीं, बुलबुलिया ने कुछ मिला दिए थे। लखी लखी यो, अरे हम पूछते हैं ये केमिकल और ये रंग घर में आया कैसे? ये बदतमीजी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये ना केमिकल वाला कलर, अब इन गवारे के ऊपर केमिकल कलर डालने वाला फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो गया, लेकिन नानी इस बार हम फेल नहीं होंगे। आप देख रहे हैं, आज इनका मुंह ना हरा पीला करके मारेंगे। अरे घर में क्या हो रहा है? अपने कलर में नहीं, बुलबुलिया ने कुछ मिला दिए थे। देखिए देखिए, अरे हम पूछते हैं ये केमिकल और ये रंग घर में आया कैसे? ये बदतमीजी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये ना केमिकल वाला कलर, अब इन गवारे के ऊपर केमिकल कलर डालने वाला फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो गया, लेकिन नानी इस बार हम फेल नहीं होंगे। आप देख रहे हैं, आज इनका मुंह ना हरा पीला करके मारेंगे। अरे घर में क्या हो रहा है? अपने कलर में नहीं, बुलबुलिया ने कुछ मिला दिए थे। देखिए देखिए यो, अरे हम पूछते हैं ये केमिकल और ये रंग घर में आया कैसे? ये बदतमीजी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे।